ईरान ने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसमें ईरान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे की वजह पेजर विस्फोट को बता रहा है। यानी अभी तक इब्राहिम रईसी की मौत को हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा मानकर चल रहे ईरान के दावे से खलबली मच गई है। अगर ये दावा सही हुआ तो इसका शक इसराइल पर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं पेजर विस्फोट का प्लान इसराइल ने मई के महीने में ही बना लिया था। रईसी की मौत पेजर अटैक का पहला चरण था और लेबनान में पेजर ब्लास्ट का दूसरा चरण था। अगर दुनिया ये मानकर चल रही है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट पहली बार हुए तो ईरान के एक नए सनसनीखेज दावे से खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि पेजर में विस्फोट सिर्फ लेबनान में नहीं हुए बल्कि ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के पेजर में भी ऐसा ही विस्फोट हुआ था और इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी मौत हो गई। तो क्या यह माना जाए कि ऑपरेशन बीपर का पहला चरण रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश था और दूसरा चरण बेरूत और दूसरे इलाकों में हुए पेजर विस्फोट थे? यह दावा ईरान के सांसद अहमद अर्दस्तानी ने एक इंटरव्यू में किया। रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हो सकता है उनका पेजर हिजबुल्ला लड़ाकों के इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर से अलग हो। ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में उनके पेजर में विस्फोट हुआ हो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हमारी खुफिया एजेंसी को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अगर इस दावे को सही माना जाए तो रईसी की मौत के पीछे इसराइल का हाथ होने की आशंका है। हालांकि अभी तक लेबनान में हुए पेजर विस्फोट में भी यह साबित नहीं हो पाया है कि इसके पीछे इसराइल है या अमेरिका। हाँ, इतना असर जरूर हुआ है कि अब IRGC ने सभी कमांडो और ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल रोकने के लिए कहा है। यानी लेबनान में हुए पेजर विस्फोट से ईरान भी दहशत में है। ईरान हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच भी करा रहा है जिससे खौफ दूर किया जा सके। उधर अमेरिका ने भी फरमान जारी कर दिया है कि वो रूसी और चाइनीज कार सॉफ्टवेयर को बैन करने जा रहा है। हालांकि उसके पीछे डेटा चोरी का शक जताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को डर है कहीं चीन और रूस के हैकर्स किसी बड़े साइबर अटैक को अंजाम ना दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।